हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मापन एवं मूल्यांकन के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जो टॉपिक है आपका, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो या आपका DSSSB हो या सुपर टेट हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल तो ये जो टॉपिक हमने लिया है क्योंकि हमारे शिक्षण कौशल की जो सीरीज चल रही थी तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक टॉपिक दिया हुआ था, मापन और मूल्यांकन। तो मापन और मूल्यांकन को हमने यहाँ पर लिया है और ये आपका वीडियो जो है आपका यूपी टेट और अन्य जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जल्दी ही आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और जो लाइव क्लासेस होंगी आपकी वो बेसिकली आपकी दो चीजों के लिए होंगी। एक तो आपका जो लाइव क्लास ली जाएगी, मैथ्स की लाइव क्लास आपकी ली जाएगी, और जो आपके जीएस का जो पोर्शन है, जो आपका पर्यावरण का पोर्शन है, आपका सुपर टेट का या यूपी टेट का, उसकी जो है आपकी लाइव क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है, तो दो लाइव क्लासेस यहाँ पे ली जाएंगी। तो मैं आपको जल्दी बता दूंगा कि क्या टाइमिंग रहेगी उनकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि मापन क्या होता है। तो देखो, मापन क्या है, बेसिकली सभी लोगों ने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा और हम अपने दैनिक जीवन में इन सभी चीजों का प्रयोग करते रहते हैं, मापन और मूल्यांकन का। तो फिलहाल हम देखा जाए, देखो मापन जो होता है, हम क्या करते हैं, हमारी कुछ पूर्व निश्चित कसौटियां, कुछ नियम बना लेते हैं, पूर्व निश्चित नियम हम अपने बना लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, पूर्व निर्धारित तथा मान्य नियमों के आधार पर, यहाँ पे पूर्व निर्धारित तथा मान्य नियमों के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थानों को उनके गुण व विशेषताओं के आधार पर अंक, शब्द, अक्षर और संकेत प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। ये बात आप ध्यान रखना। एक बार फिर से डेफिनेशन बोल देता हूं, पूर्व निर्धारित तथा मान्य नियमों के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों को उनके गुण व विशेषताओं के आधार पर अंक, शब्द, अक्षर या संकेत प्रदान करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। समझ रहे हो? तो देखो, मापन में मैंने क्या बताया था कि किसी जो वस्तु होती है, व्यक्ति होता है, उनकी गुण व उनकी विशेषताओं को हम अंक प्रदान करते हैं। तो गुण को हमने अंक प्रदान किया, तो गुण को हम, जैसे मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, तो होता क्या है कि 1 star 2 star 2 3 star, इस तरीके से आप उनके गुण को, क्वालिटी को बताते हो, उनके गुणों को बताते हो, ठीक है, अंक दे करके। अच्छे शब्द भी यूज कर सकते हो, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट वगैरह शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हो। अक्षरों का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे आपने ग्रेड ए दे दी किसी बच्चे को, बी दे दिया किसी में ग्रेड, किसी में सी दे दिया, तो ये भी गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके अलावा संकेत भी हम यूज कर सकते हैं और करते भी हैं, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये जो है आपके प्रैक्टिकल्स में यूज होते हैं, जो आपका साइंस का प्रैक्टिकल्स होता है, तो उसमें लोग अल्फा प्लस देते हैं, अल्फा डबल प्लस देते हैं, तो इस तरीके का वहां पर देते हैं, ध्यान रखना। तो ये आपका मापन हो गया। ठीक है, अब मापन में होता क्या है, बेसिकली देखा जाए तो मापन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का दो चीजों का जो है मापा जाता है। एक तो है उसमें गुणात्मक मापन, किसी व्यक्ति के गुणों को मापा जाता है, और दूसरा है मात्रात्मक मापन। ठीक है, किसी व्यक्ति की मात्राओं को, मतलब उसमें कितने अमाउंट में वो चीज उपस्थित है उसको नापा जाता है। देखो, समझते हैं हम क्या होता है गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन। देखो, गुणात्मक मापन क्या होता है, गुणात्मक मापन वह मापन होता है जिसमें हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है किस प्रकार का, ठीक है, किस प्रकार का गुण है, और मात्रात्मक मतलब कितना, गुणात्मक मतलब किस प्रकार का, मात्रात्मक मतलब कितना। अगर प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये मान के चलिए एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं आप पूछ रहा हूं कि उसकी लंबाई कितनी है, तो कितना प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो जिसमें किस कितना प्रश्न का उत्तर मिले उसको हम कहते हैं मात्रात्मक मापन, और जिसमें किस प्रकार का प्रश्न का उत्तर मिले तो उसमें कहते हैं, जैसे मैं कहूं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, व्यक्तित्व किस प्रकार का है, तो किस प्रकार का मतलब जिसमें किस प्रकार का उत्तर मिलेगा तो उसको हम कहेंगे गुणात्मक। मतलब अगर हम किस प्रकार से अगर कोई उत्तर हमें मिल रहा है तो वो उसके व्यक्ति के गुणों का वर्णन करेगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे गुणात्मक मापन। या हम जैसे हम ये कहें कि इस व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार का है, तो ये गुणों का वर्णन हुआ तो उसको हम कहेंगे गुणात्मक
मापन, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम आगे बात करेंगे मापन के प्रकार व स्तर के बारे में, ठीक है, मापन के प्रकार व स्तर के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो देखिए पहला क्या है, पहला यहाँ पर है नामित मापन। नामित मापन क्या होता है, इसमें जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें क्या करते हैं वस्तुओं का हम नामकरण कर देते हैं, ठीक है, जैसे किसी गुण या विशेषता का नामकरण करना ही क्या कहलाता है, नामित मापन कहलाता है। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली वस्तुओं के गुणों एवं विशेषताओं को कुछ समूहों एवं वर्गों में बांट दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे लेकिन एक चीज खास बात यह है कि इन वर्गों में कोई संबंध व इनका कोई क्रम नहीं होता है, क्रम नहीं होता, ध्यान रखना है इनका, ठीक है। जैसे फल है, ठीक, तो फल में हमने क्या किया, अब इसमें वस्तुओं के गुणों विशेषताओं के आधार पर हमने बांट दिया, जैसे यहाँ पे आम है, केला है, सेब है, अमरूद है, तो इनका क्या कर दिया, नामकरण कर दिया, लेकिन इनमें कोई संबंध है आपस में बताओ, कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ना ही कोई इनका क्रम होता है, चाहे किसी को भी आगे पीछे रख सकते हो, कोई क्रम इनका नहीं होता। तो इसमें कोई क्रम ना हो, ध्यान रखना, वो हमारा क्या होता है, नामित मापन होता है। इसमें केवल वस्तुओं का नामकरण ही किया जाता है, वस्तुओं के गुणों का नामकरण किया जाता है, और इनमें हम जोड़ घटाना गुणा भाग हम यहाँ पर नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो क्योंकि आप बताओ आम में से घटा सकते हो तो नहीं घटा सकते हो, तो इस प्रकार का इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग संभव नहीं होता। अगला जो है आपका क्रमित मापन होता है, ठीक है, क्रमित मापन। क्रमित मापन में क्या होता है, इन पे हम क्या करते हैं, इन पे इनको हम गुणों के आधार पर बांटेंगे, मतलब बिल्कुल वही है जो जिसमें जो हमने नामित मापन पे किया था, ठीक है, गुणों के आधार पर इनका नामकरण कर देंगे, और लेकिन इसमें खास बात ये होगी कि इनके वर्गों में क्या होगा, एक क्रम होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो 90 से 110 वाले होते हैं उनको हम सामान्य बुद्धि वाले बच्चे कहते हैं, ठीक है, उससे नीचे जो आते हैं आपके मंद बुद्धि वाले आ जाते हैं, उससे नीचे जो आते हैं आपके सीमांत बुद्धि वाले आ जाते हैं। ऐसे अगर हम यहाँ देखें तो वो सबसे ऊपर हमने क्या रखा, प्राचार, फिर उपप्राचार, फिर प्रवक्ता, तो ये क्रमित मापन है। इनमें हम क्या करेंगे, वस्तुओं विशेषताओं के गुणों का नामकरण तो करेंगे ही, लेकिन नामकरण में क्या होगा, एक क्रम पाया जाएगा, जो कि नामित मापन में नहीं पाया जाता था। क्रमित मापन में क्रम पाया जाता है, जो क्रम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसके अलावा देखें, जैसे किसी बच्चे को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान देना, ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, क्रमित मापन का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और इनमें दो स्तरों के बीच अंतर लेकिन सदैव समान नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक कक्षा है, किसी कक्षा में जब रिजल्ट आता है तो किसी बच्चे को 90% प्राप्त होते हैं, और फिर उसके नीचे मान लो 80% प्राप्त हुई द्वितीय स्थान पर, जो तृतीय स्थान पर है उसको 75% प्राप्त हुए। तो आप बताओ जो प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहा उनके बीच में अंतर कितना रहा, 10%, और द्वितीय तृतीय के बीच में अंतर कितना रहा, 5%। तो ध्यान रखना कि इनमें क्रम तो होता है लेकिन इनका अंतर समान नहीं रहता, ठीक है, अंतर समान, सदैव अंतर इनका समान नहीं होता, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट पोजिशन पर रखा, इसको हमने सेकेंड पोजिशन पर रखा, और इसको हमने थर्ड पोजिशन पे रखा था, ठीक है। तो अब इसको देख करके आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि इनके बीच में अंतर समान है, लेकिन क्रम इसमें पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है आपका वो है अंतरित मापन, ठीक है, अंतरित मापन। अब अंतरित मापन में क्या है, जहां पे अंतरित हो गया तो यहाँ पे अंतर भी समान होगा, तो इसमें क्या करेंगे, ये तो सभी में कॉमन होता है, वस्तुओं या व्यक्तियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना, ये तो सभी में कॉमन है, ठीक है। अब क्या, किन्हीं दो स्तरों के बीच में यहाँ पे अंतर समान रहता है, ये विशेषता है इसकी। और दूसरी बात यह है कि इस मापन में परम शून्य यानी वास्तविक शून्य बिंदु नहीं पाया जाता, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, इस स्तर के मापन में जोड़ व घटाने की संक्रियाएं भी की जा सकती हैं, और लेकिन गुणा और भाग की संक्रियाएं नहीं की जा सकती। इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना, अंतरित मापन है तो अंतर निकाल सकते हो और जोड़ निकाल सकते हो, लेकिन गुणा भाग की प्रक्रियाएं इसमें नहीं की जा सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा, जैसे विज्ञान एक विषय ले लिया जिसमें किसी बच्चे के, एक बच्चा जिसके नंबर आए हैं 45, दूसरे बच्चे के आए हैं 46, और तीसरे बच्चे के आए हैं 47 नंबर, तो इसमें हमने एक क्रम बना दिया, ठीक है, क्रम बना दिया। दूसरी चीज क्या है, अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, देखो अंतर यहाँ पर बराबर है, अंतर यहाँ पर क्या है, बराबर है, देखो 45 और 46 के बीच में अंतर यहाँ पे एक का होगा, और यहाँ पे देखो अंतर भी एक का ही होगा, तो यहाँ पे अंतर भी क्या रहता है, समान रहता है। तो यहाँ पे जोड़ने और घटाने की क्रिया की जा सकती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई दूसरे बच्चे के पहले बच्चे से नंबर कितने ज्यादा है, तो आप कहोगे एक नंबर यहाँ पे ज्यादा, लेकिन गुणा भाग का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता। अब देखो इसमें परम शून्य क्यों नहीं होता, क्योंकि आप बताओ जैसे मान लो किसी बच्चे गणित में जीरो नंबर आ रहे हैं,
ठीक है, 0 नंबर आ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ क्या इसको हम परम शून्य कहेंगे, इसको परम शून्य नहीं कहेंगे, क्योंकि 0 नंबर जो आ रहे हैं उसके तो हो सकता है कि भाई जो पेपर आया हो उसको वो चीज नहीं आती हो, पेपर वाली चीज। गणित में तो आप शून्य इसको नहीं कह सकते, अगर किसी बच्चे गणित में 0 नंबर आ रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको गणित बिल्कुल भी नहीं आती। हो सकता है कि जो पेपर में सवाल आए हो वो उसको नहीं आते हो, तो गणित बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता किसी बच्चे को गणित बिल्कुल नहीं आती हो, तो इसको हम यहाँ पर परम शून्य की स्थिति यहाँ पे संभव नहीं होती, ठीक है, इस मापन में ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो मापन है वो है आपका अनुपातिक मापन। अनुपातिक मापन क्या होता है, इसमें वास्तविक या परम शून्य की स्थिति हो सकती है, और यही प्रश्न आपका पूछा गया था सुपर टेट में लास्ट ईयर के क्वेश्चन में, आप देखना उसमें ये पूछा था कि ऐसे कौन सा मापन है जिसमें परम शून्य की परम शून्य की स्थिति हो सकती है, तो वो है आपका अनुपातिक मापन। और इसमें सभी जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रियाएं की जा सकती हैं और प्राप्त परिमाणों को हम अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह सबसे अधिक परिमार्जित मापन है, सबसे अधिक परिमार्जित मापन पूछे तो आप कह देना कौन सा अनुपातिक मापन, और किस मतलब मापन में परम शून्य की स्थिति होती है वो आपकी किसमें होती है, वो आपकी अनुपातिक मापन में होती है, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, परिणामों को अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे लंबाई है, भार है, दूरी को हम नापेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक दो व्यक्ति है, एक ए है और दूसरा बी है। एक मिनट, पेन थोड़ा सा सही से काम नहीं कर रहा है। हाँ, जैसे मान लो दो व्यक्ति है, एक तो ए व्यक्ति हो गया, दूसरा बी व्यक्ति हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक ए व्यक्ति है जिसकी लंबाई मान लो कि 8 फिट है और दूसरा व्यक्ति है उसकी लंबाई 6 फिट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब हम ये कहें कि इन दोनों की लोगों की लंबाई का योग निकालो, तो आप कहोगे 14 फिट, घटा करो तो आप यहाँ पे 2 फिट घटा करके आ जाएगा। कि इन दोनों लंबाई, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में अनुपात कितना होगा, तो 8/6, मतलब इनमें जो अनुपात आपका आएगा 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें भाग भी कर सकते हो, गुणा भी कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, परिमार्जित का मापन का मतलब क्या होता है, परिमार्जित का मतलब इसको हम बिल्कुल त्रुटि रहित मापन है, इसमें इसको ऐसे लंबाई को आप बिल्कुल बिना त्रुटि के नाप सकते हो, भार भी कोई त्रुटि होने का चांसेस ही नहीं है, दूरी को में भी इसमें कोई त्रुटि होने का चांसेस नहीं है। बाकी जो नंबर जो थे हम चेक करते हैं कॉपी, जैसे बच्चे को हमने नंबर दिए 45 नंबर दिए किसी बच्चे को, तो हो सकता है वो टीचर की मानसिकता पर निर्भर करता हो कि क्योंकि प्रत्येक टीचर जब कॉपी जांचेगा तो प्रत्येक टीचर क्या करेगा, बच्चे को अलग अलग नंबर देगा, तो उसमें त्रुटि हो सकती है, लेकिन इसमें त्रुटि बिल्कुल नहीं होती। इसमें नहीं होती, जो आपका अनुपातिक मापन होता है उसमें त्रुटि नहीं पाई जाती, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अगला जो टॉपिक है वो है आपका मूल्यांकन और आकलन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मूल्यांकन होता क्या है, सबसे बेसिकली हम ये बात करेंगे। अभी आपने मापन के बारे में बात की थी भाई, मापन के बारे में हमने बात की थी, हमने कहा था कि हमारे कुछ पूर्व निश्चित नियम होते हैं और नियमों के आधार पर यदि हम किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता व गुणों का हम अंकन कर रहे हैं, उनको शब्द प्रदान कर रहे हैं, यानी उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं, तो वो मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लंबाई को मेजर कर दिया, भाई लंबाई कितनी है, 165 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंबाई का आपने मापन कर दिया कि कितनी है, 165 सेंटीमीटर है। अब हुआ क्या भाई, अब आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे भर रहे हो फॉर्म, आपने आर्मी के लिए फॉर्म भरा, आपने मान लीजिए यूपी पुलिस के लिए फॉर्म भरा या किसी मतलब फोर्स के लिए फॉर्म भरा, तो भाई वहां पे जो लंबाई मांगी वो मांगी 170 सेंटीमीटर लंबाई वहां पर मांगी, ठीक है। और आपने अपनी विशेषता क्या बताई, आपकी विशेषता का जो वर्णन था, आपने जो मापा वो कितना था, 165 सेंटीमीटर। तो आपने ये कह दिया कि मेरी लंबाई 165 सेंटीमीटर है, ठीक है, या आपने अपनी लंबाई को मेजर कराया और उस बंदे ने आपने आपसे ये कहा कि आपकी लंबाई जो है 165 सेंटीमीटर है, तो उसने क्या की, आपकी लंबाई की विशेषता का वर्णन किया कितनी है, 165 सेंटीमीटर, वो क्या हो गया आपका मापन हो गया। अब भाई आपने फॉर्म भरा आर्मी का, अब उसमें मांग रहे हैं 170 सेंटीमीटर की लंबाई, अब क्या करेंगे वो जो आर्मी के का जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, आपकी लंबाई जो आपकी विशेषताएं हैं उनके गुणों का मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन के
आधार पर ये देखेगा कि आपकी जो विशेषताएं हैं क्या वो उसके लिए वांछनीय हैं। वांछनीय का मतलब ये है क्या वो जो मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है आर्मी की उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रही है। ठीक है, अगर पूरा तो यही चीज चेक करना, इसी चीज को चेक करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। समझ में आया होगा आपकी, आप समझ रहे हो थोड़ी सी बात मेरी बात को, एक बार और थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। भाई आपने किसी कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति की मान लीजिए कोई गुण या विशेषता आपने बता दी, ठीक है, कि ये व्यक्ति मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है उसके यूपी टेट में मान लीजिए 80 नंबर आए, ठीक है, तो वहां पर हुआ क्या, यूपी टेट में जब 80 नंबर आए तो उसने अपनी गुड़िया विशेषता का वर्णन कर दिया कि भाई उसके 80 नंबर है। अब यूपी की जो गवर्नमेंट है वो ये चेक करेगी जो 80 नंबर हैं क्या वो उनके उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं, क्या ये वांछनीय है, क्या ये सही है, ये कितने संतोषप्रद है या नहीं है। तो संतोषप्रद नहीं है इसकी, क्योंकि आपको पता है कि 90 पे पास होता है या 82 पे पास होता है, 82 पे पास होता है ओबीसी एससी और जनरल के लिए 90 होता है। तो भाई ये देखा जाएगा कि ये जो है आपकी विशेषताएं संतोषप्रद नहीं है, इसको चेक करना, आपकी विशेषताओं को चेक करना कि वो संतोषप्रद है या नहीं है, वही कहलाता है मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन के लिए सबसे बड़ी चीज आप एक बात ध्यान रखना हमेशा कि मूल्यांकन जब आप करते हो तो आप कोई ना कोई उद्देश्य आपके पास होता है, मूल्यांकन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। जैसे आप मैंने बताया ना, जैसे मान लो यूपी टेट है, यूपी टेट गवर्नमेंट ने का जो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है कि वही 82 मार्क्स ओबीसी एससी के लिए और 90 मार्क्स लेके आने जनरल के लिए, तो ये क्या हो गया, मूल्यांकन का एक उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब क्या है भाई, अब आपने पेपर दिया, आपने अपनी विशेषताओं का वर्णन कर दिया, भाई आपके आ गए 90 मार्क्स आ गए। अब यूपी गवर्नमेंट चेक करेगी क्या इसकी विशेषताएं कितनी है, क्या वो जो मूल्यांकन के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उसकी पूर्ति कर पा रही है नहीं कर पा रही है। पूर्ति कर पा रही है तो मूल्यांकन वांछनीय हो जाएगा, मतलब संतोषप्रद रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मापन किस प्रकार का है, मापन हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, मूल्यांकन कहेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बच्चों के पेपर होते हैं तो उनको मार्क्स दे दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं तो वही वो मार्क्स क्या कहलाते हैं, मापन कहलाते हैं। अब वो मार्क्स के आधार पर हम भी चेक करते हैं ये पास है या फेल है, पास या फेल है, ये चीज चेक करना हम क्या कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या था कि हमारा हमने एक उद्देश्य निर्धारित किया था कि 100 में से 50 नंबर बच्चे के आने चाहिए, ये हमारा उद्देश्य था। अब 50 नंबर आ गए तो ठीक है, बस यही चेक करना कि 50 नंबर उसके आए हैं या नहीं आए, यही हमारा मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, गुणवत्ता कैसी है, जो गुणों की जो विशेषताएं हैं वो संतोषप्रद है या नहीं है, वही चीज करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो मापन किसी गुण या विशेषता का गुणात्मक या मात्रात्मक वर्णन है, जबकि मूल्यांकन उस गुणात्मक या मात्रात्मक वर्णन की गुणवत्ता का निर्धारण है। गुणवत्ता मतलब कि वास्तव में वो जो आपका मापन है वो मूल्यांकन के उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देख लो एनसीईआरटी ने भी एक परिभाषा यहाँ पर दी है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो यह देखती है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कि वो उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको। दूसरा क्या है, कक्षा कक्ष में दिए गए अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, मतलब कक्षा कक्ष में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है क्या बच्चे उस चीज को सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं, कितने प्रभावशाली रहे, और शिक्षा का उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहा है, यही आपका क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही हम स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।